हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज पता चलेगी जिससे आपकी लाइफ काफी हद तक बदल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कैप्शन पर जाएं, वहां से कैप्शन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमी मॉरन द्वारा लिखित किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू हमें मानसिक शक्ति पर महारत हासिल करने में सीखने में मदद करती है। इस किताब में दी गई रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स से होममेकर से लेकर टीचर, सोल्जर्स और बड़ी कंपनीज की सोच तक सभी को फायदा होता है और यही इस किताब की जीत का बड़ा कारण है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू किताब के बारे में, जिसे एमी मॉरन ने लिखा है। इस किताब की मूल बात है बुरी मानसिक आदतों को खत्म करो और खुद को मजबूत करो। इसमें आप सीखेंगे कि मानसिक शक्ति में महारत कैसे हासिल करें। ऐसी क्रांतिकारी तरीके जो एक पत्नी से लेकर शिक्षक, सैनिक और बड़ी कंपनी के सीईओ सबके लिए फायदेमंद साबित होती है। हर कोई जानता है कि रोज व्यायाम करने और अच्छा भोजन खाने से शारीरिक ताकत बढ़ती है, लेकिन कठिन समय के दौरान हम अपने आप को अनुशासन में और मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाए रखें। अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने से आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। इसके लिए अभ्यास और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन इस किताब में बताए गए खास तरीकों, अभ्यासों और परेशानियों को ठीक करने के मार्गदर्शन के साथ न सिर्फ आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करना आसान है, बल्कि आपकी जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी को भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाना संभव है। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपनी स्थिति, चीजों, जिंदगी को लेकर किस तरह से सोचते हैं? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि आपकी परेशानी दूसरों के मुकाबले ज्यादा है? आप ज्यादातर लोगों को क्या ये बताते हो कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, बजाय ये बताने की क्या अच्छा हुआ? क्या आप ज्यादातर समय चीजों के बारे में शिकायत करते रहते हो कि वह अच्छी नहीं है या बेहतर नहीं है? क्या आपको अपने पूरे दिन में ऐसी चीज ढूंढने में मुश्किल होती है जिसके लिए आप अपने दिल से शुक्रगुजार हो? अगर जाने अनजाने में आप भी ऐसा कर रहे हो, तो अभी से ही इस तरह की सभी चीजों के विपरीत सोचना शुरू कर दे। जैसे आपकी जिंदगी दूसरों की तरह ही या उनके जैसी अच्छी है, ज्यादातर समय ये सोचो और लोगों को ये बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ। चीजों के बारे में शिकायत करने की बजाय उनके सकारात्मक पहलू को देखें और उससे फायदा हासिल करने की कोशिश करें। हर वह चीज और इंसान जो आपकी किसी भी तरह से मदद करे, उसे दिल से शुक्रिया कहें। ऐसा करके आप अपने नजरिए को बदलना शुरू कर देंगे, और जब आपका नजरिया बदलने लगेगा तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप ही बेहतर बनने लगेंगी। अगर हम बात करें अपने आप को माफ करने की, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब आप जिंदगी में घटी किसी भी घटना के बारे में पूरी तरह जाने बिना कि उसमें आपकी सच में गलती है भी या नहीं, और अगर है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में विचार किए बिना आप उसके लिए अपने आप को या दूसरों को माफ करने को कहने लगते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। अक्सर लोग माफी इसलिए मांगते हैं ताकि वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसके अलावा ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों से दयालुता मिल सकती है। इसके अलावा उनके लिए माफी मांगना अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से दूसरों से मदद लेने का एक तरीका होता है, इस उम्मीद से कि दूसरे शायद उनकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन बिना वास्तविक वजह की माफी या आत्म दयालुता महसूस करने के साथ आपके लिए परेशानी यह है कि इससे आपका समय बर्बाद होता है, क्योंकि उतने ही समय में आप उस घटना से संबंधित स्थिति के बारे में सोचकर उसे ठीक कर सकते थे, जिसमें आपको माफी नहीं मांगनी पड़ती बल्कि अपने ऊपर गर्व होता। इसके अलावा आपके अंदर से गुस्सा और अकेलापन जैसे नकारात्मक भावनाओं जन्म लेना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कई तरह के मानसिक, रिश्तों और भावनात्मक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आज से बिना किसी वजह के माफी मांगना बंद करें और अपने ऊपर दया वाले विचारों और नजरिए को उत्साहित वाले विचार और नजरिए में बदल दें। जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो, तो सोचें कि आप इस समाधान को दूसरे सकारात्मक नजरिए से कैसे देख सकते हैं। अपने सबसे करीबी इंसान को आप इस परेशानी से संबंधित क्या सलाह देंगे ताकि वह कभी ऐसी परेशानी में न फंस सके। ये सोचें कि इस परेशानी से निकलने के क्या क्या तरीके हैं, और इस तरह की खराब आदत को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है शुक्रगुजार बने। उस घटना से संबंधित लोगों, चीजों आदि के प्रति शुक्रगुजार बने, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। या तो आपको कुछ नया सीखने के लिए होता है या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वे अपनी शक्ति नहीं देते। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू समरी। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से नफरत करता है या फिर उन पर आरोप लगाता है या जाने अनजाने में अपनी जिंदगी, खुशी, स्वास्थ्य आदि की चाबी दूसरे इंसान के हाथ में दे देता है,
लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा नहीं करना उनके लिए इस तरह से मददगार साबित होता है। उनके सोचने और बातचीत करने का तरीका ऐसा बदलने लगता है जिसमें वह किसी भी काम को किसी दूसरे के दबाव में करने की बजाय अपनी इच्छा से करने को प्राथमिकता देने लगते हैं, जो वास्तव में हर इंसान चाहता है। इसके अलावा दूसरों से नफरत ना करने और आरोप ना लगाने से दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद मिलती है। आप दूसरों को किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे इस बारे में सोचने और व्यवहार करने का मौका भी मिल जाता है। आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं कि अपनी ऊर्जा और समय को कहां, किसके साथ खर्च करना है। दूसरों को माफ करने की भावना दिल में आने लगती है। आपको एक पीड़ित वाली सोच को बदलकर एक योद्धा वाली सोच को अपनाने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है या उसने ऐसा कहा है, इसे खत्म करके आप एक योद्धा वाली सोच को अपनाएंगे, जैसे मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं वह हासिल करना चाहता हूँ आदि। अपना हक लेने की जिम्मेदारी आप खुद लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप किसी दूसरे इंसान को आरोप लगाते हैं तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से आप उन्हें आपका अधिकार देने की जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, और यह मानते हैं कि ये दूसरे इंसान की जिम्मेदारी है कि वह आपके अधिकार आपको दे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होते तो दूसरा आपको क्यों देगा। इसलिए जब आप दूसरों को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो अपना हक लेने के लिए खुद खड़े होना शुरू कर देते हैं, खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो अपने अधिकार को भी हासिल कर सकते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप जो भी करते हैं वह अपनी इच्छा से करते हैं, किसी दूसरे इंसान के कहने या उसके दबाव से नहीं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने अंदर से अंदरूनी हिम्मत वाली भावना, मानसिक शक्ति, खुशी और शांति को महसूस करना शुरू कर देंगे। वो बदलाव से शर्माते नहीं हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू हिंदी। चाहे नई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से जीने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदलना हो, अपनी आदतों को बदलना हो, कुछ नया बनाने या हासिल करने के लिए चीजों में नए तरीके से बदलाव करना हो, दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करना हो, किसी परिस्थिति से आसानी से निपटने के लिए अपनी भावनाओं को बदलना हो या फिर अपने विचारों को बदलना हो, मानसिक रूप से मजबूत लोग बेहतरीन के लिए बदलाव करने को हमेशा तैयार रहते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। बेहतरीन इंसान बनने या बेहतरीन जीत हासिल करने के लिए बदलाव करने के मकसद को इन तरीकों से अपनाएं। सबसे पहले तो अपने अंदर बदलाव करने के लिए प्रज्वलित बर्निंग इच्छा जगाएं। अपने आप को बदलने या अपनी परिस्थितियों आदि को बदलने के लिए वजह तय करें। फिर बदलाव से संबंधित एक लक्ष्य बनाएं। उसे लंबे समय, बीच के समय और थोड़े समय लक्ष्यों में बांट लें। एक साफ साफ समय तय कर लें कि कितने समय में आप उसे हासिल करने वाले हैं। फिर इस तरह तय किए हुए कामों को करना शुरू कर दें। अपने विचारों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें उस बदलाव के साथ आगे चलने के लिए। इसके लिए जितना ज्यादा हो सके उस बदलाव से मिलने वाले सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें और उन परिणामों के साथ बेहतरीन जिंदगी को जीते हुए महसूस करें। बदलाव के रास्ते में जो संभावित बाधाएं आ सकती है उनका पहले से अंदाजा लगा लें और उन्हें संतुलित करने की योजना बनाएं। बदलाव से मिलने वाले फायदे और नुकसान और अभी की जिंदगी से मिलने वाले फायदे और नुकसान को एक बार दोबारा जरूर देखें, ताकि आपको एक साफ सुथरी छवि मिल जाए कि बदलाव करना आपके लिए कितना ज्यादा बेहतर है, और साथ साथ में तेजी से बदलाव करने के लिए अंदरूनी प्रेरणा भी मिले। अपने काम करने की योजना के साथ एक समय में कम से कम सिर्फ एक छोटा बदलाव अच्छी तरह से करने के लिए एक कदम उठाने की कोशिश करें, और अपने आप को बदल कर आप जिस इंसान की तरह बनना चाहते हैं आज से ही उनकी तरह व्यवहार करने का वादा अपने आप से करें और इस वाले वादे को हर हाल में पूरा करें। ये ना करें बदलाव के बारे में सोचने को ही नजरअंदाज करना, ये सोचना कि जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे तब कुछ अलग करेंगे। भावनात्मक रूप से अपने आप को वो काम करने के लिए तैयार ना करना जो वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तार्किक रूप से कोई चीज हमारे लिए वास्तव में फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ समय के लिए भावनात्मक दर्द की वजह से कई लोग उसे नहीं करते हैं। बहाने बनाना कि आप बदलाव क्यों नहीं कर सकते। बदलाव के बिना सकारात्मक पहलू के बारे में सोचे हुए सिर्फ उनके नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना। अपने आप को इस बात के लिए मनाना कि बदलाव तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको तो लगता नहीं कि बदलाव की जरूरत है, अगर बाद में जरूरत होगी तो कर लेंगे। बदलाव तभी करना जब जबरदस्ती हर हाल में करना ही पड़े। जो चीज उनके नियंत्रण में नहीं है वो उस पर ध्यान नहीं देते।
इस तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाकर मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इन कदमों का पालन करें। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। जहां तक संभव हो अपने कामों और जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप दे पूरी करने के लिए, ताकि आपके पास ज्यादा जरूरी काम करने के लिए पर्याप्त समय बच सके। जब भी आपको महसूस हो कि आपका काम दूसरे की मदद के साथ ज्यादा आसानी से पूरा हो सकता है, तो बिना किसी शर्म के उनसे मदद मांगे। परेशानियों पर ध्यान देकर परेशान होने की बजाय जिनका आप समाधान नहीं कर सकते, ऐसी परेशानियों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है और आप ठीक कर सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय प्रभावित करने की कोशिश करें। दूसरों को अपने आदेश या काम के जरिए नियंत्रित करने की बजाय आप खुद उस काम को उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से करके दिखाएं, या दूसरे लोग जो उस काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं उनका उदाहरण बाकी लोगों के सामने बनाएं, ताकि बाकी लोग प्रभावित होकर बेहतर तरीके से अपने आप काम करने लग जाए। जो विचार आपके नियंत्रण में है और जो नहीं है उनके बीच में संतुलन बनाए रखें। काम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको सोचना जरूरी होता है, वहीं बाकी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी और से करवा सकते हैं। इसलिए अपने जरूरी कामों के बारे में आप सोचें और बाकी कामों का दूसरों को दे दें। अगर उसके बारे में आपको सोचना जरूरी है तो उसके लिए समय निकालें और उसी समय कोई परेशानी के समाधान के बारे में सोचें, बाकी समय जरूरी कामों को पूरा करें। ये न करें सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश करना, क्योंकि दूसरे इसे सही तरीके से नहीं कर सकते। 13 things mentally strong people don't do। सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करना, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ आप बिना किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचने में समय बर्बाद करना जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए कहना जो आपको लगता है कि उन्हें ये करना चाहिए, बिना ये सोचे कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य को हासिल करने से संबंधित दूसरे तत्वों और चीजें जो उसे प्रभावित कर सकती है, इस बारे में बिना सोचे कामयाबी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ऊपर ही लेना। वो हर एक को खुश करने की चिंता नहीं करते। 13 things mentally strong people don't do summary। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इस आदत को अपनी जिंदगी में लाने के मकसद से इनको फॉलो करें। अपने मूल्यों को पहचाने और उसके अनुसार व्यवहार करें। मूल्यों को आसान शब्दों में समझें तो जिस धर्म को आप मानते हैं, जो काम आप करते हैं उसमें खुश और कामयाब रहने के लिए जरूरी नियमों को जानें और उसके अनुसार ही व्यवहार करने की कोशिश करें। 13 things mentally strong people don't do। किसी के अनुरोध पर हाँ कहने से पहले भावनात्मक रूप से जागरूक जरूर बने। अगर उस काम को करने से आपको भावनात्मक रूप से खुशी और संतुष्टि की भावना महसूस हो रही है तो उस काम को करें, अगर नहीं हो रही है तो उसे ना करने की कोशिश करें। जब आप किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो उसे करने से मना कर दें। जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। संघर्ष और टकराव से जुड़ी असुविधाजनक भावनाओं को सहन करने का अभ्यास करें। ये न करें आप जो है उसे और अपने मूल्यों को किनारे करके किसी काम को करना। सिर्फ किसी और की भावनाओं के बारे में सोचना बिना अपनी भावनाओं के बारे में सोचे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 13 things mentally strong people don't do। बुलाने पर चले जाना बिना ये सोचे कि वहां पर जाना आपके लिए एक अच्छा चुनाव है भी या नहीं। आप जानते हैं कि आप ठीक हैं उसके बावजूद दूसरे की बात से सहमत हो जाना। दूसरों से टकराव ना हो इसके लिए सही होने के बावजूद टकराव से बचने की कोशिश करना, और यहां तक कि अनुरोध करना कि वो ऐसा ना करें। जो सही है उसके साथ खड़े होने से इसलिए बचना, क्योंकि भीड़ और ज्यादातर लोग उसे मदद नहीं करते। 13 things mentally strong people don't do। वो सोच समझकर जोखिम लेने से डरते नहीं। 13 things mentally strong people don't do। इसको अपनी जिंदगी में अपनाकर मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले अपने भावनात्मक होने के बारे में जागरूक बने कि रिस्क लेते समय आप कैसा महसूस करते हैं, एक बहादुर इंसान या डरपोक की तरह। 13 things mentally strong people don't do। अपने उस रिस्क को पहचाने जो आपको चुनौतीपूर्ण लगता है, जैसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए या दूसरों की परेशानियों को ठीक करने के लिए नया काम शुरू करना, दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करना, दूसरों पर अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ने के लिए अच्छी बातचीत की कला को सुधार करना आदि। जोखिम लेने से संबंधित निर्णय लेते समय आपको पीछे रोकने वाले और सीमित करने वाले विचारों को पहचाने। जिससे संबंधित जोखिम आप लेने जा रहे हैं उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी से अपने आप को शिक्षित करें। कोई एक निर्णय लेने से पहले हर जोखिम के बारे में सोच विचार कैलकुलेट करके उसके बारे में जानने में कुछ समय जरूर लगाए। 13 things mentally strong people don't do। ज्यादा से ज्यादा छोटे और बड़े जोखिम लेकर उससे मिलने वाले परिणाम का अभ्यास करें।
ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सके और आने वाले समय में बेहतर अनुभव के साथ अच्छा निर्णय लेते हुए कम से कम जोखिम के साथ ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। ये न करें, ज्यादा बड़े दरों वाले जोखिम वाली चुनौतियों से एक बार में लड़ने की बजाय उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर जोखिम लें। बिना सोच विचार कैलकुलेशन के जोखिम न लेने की कोशिश करें, वह अतीत में ही नहीं रहते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जीना अतीत में जीने की बजाय ज्यादा खुशी और कामयाबी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है, और मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा ही करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए किस तरह के क्रम अपनाएं। सबसे पहले अपने अतीत को उतना ही याद करें, उसके बारे में उतना ही ध्यान दें जितना आपको उनसे सीखने को मिले, और वर्तमान जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। जैसे ही आपको महसूस हो कि अतीत की कोई याद आपको आगे बढ़ने या फिर अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने से रोक रही है, तो तुरंत उसे छोड़कर ऐसी याद पर अपना ध्यान लगाएं जो आपको अपनी ताकत का एहसास कराने, अपनी काबिलियत को पहचानने और प्रेरित रहते हुए आगे बढ़ने में मदद करे। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। जिंदगी में कभी भी एक जगह फंसकर ना रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। लगातार आगे बढ़ने से आप महसूस करेंगे कि कई सारी चीजों तो वास्तव में परेशानी वाली होती ही नहीं जितनी अभी आपको लग रही है, और काफी सारी चीजें ऐसी इसलिए थी ताकि वह आपके आज को बेहतर बना सके। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तय किए गए वर्तमान कामों को ज्यादा ध्यान के साथ करें, ताकि बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करने से वर्तमान और भविष्य में ज्यादा सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित हों और अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित नकारात्मक यादें जिंदगी से हटने लगे। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के बारे में अच्छा सोचने से हम प्रेरित होते हैं, वहीं उस चीज का नकारात्मक पहलू हमें उसकी सच्चाई बताने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अतीत में घटी किसी घटना के दोनों पहलू को देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, लेकिन नकारात्मक पहलू को देखते हुए उसके तथ्य की जांच करें ताकि आज उसे बेहतर बना सके, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक ना हो। अपने अतीत की ऐसी घटनाओं के बारे में ज्यादा याद करें और अगर संभव हो तो लिख लें, जो आपको खुश रहने, शांत रहने, अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हो। आपकी जिंदगी में आपके अतीत में हुई दर्दनाक घटनाओं के बारे में याद करते हुए उसके नकारात्मक पहलू पर ध्यान देने की बजाय उससे मिली सीख और उससे आपके वर्तमान जीवन में हुए बेहतर बदलाव पर ध्यान देकर अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। यह न करें, अपने आप को यह मनाने की कोशिश करना कि अतीत कभी हुआ ही नहीं था। अतीत में हुई किसी घटना में फंसे रहकर उसी के बारे में याद करके अपने आप को आगे बढ़ने से रोकना। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए काम करने की बजाय उस पर ध्यान देना जो आप जिंदगी में खो चुके हैं। अतीत में आपके साथ हुई दर्दनाक घटनाओं के बारे में अपने आप को याद दिलाना और महसूस करना कि उस समय किस तरह से खराब तरह से महसूस कर रहे थे। किसी घटना या आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आप नहीं करना चाहते, और उसे अतीत में जाकर खत्म करने की कोशिश करना जो वास्तव में असंभव है, क्योंकि आप कभी अतीत में जा नहीं सकते और इसलिए आप उसे कभी खत्म भी नहीं कर सकते। आपके नियंत्रण में ही यह है कि आज के बाद उस गलती को ना करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए ये करें। वो एक ही गलती को बार बार नहीं करते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू हिंदी। इस आदत को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए कामयाब लोगों की तरह मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इन कदमों को अपनी जिंदगी में पालन करें। जिस गलती को आप सुधारना चाहते हैं उसके लिए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करें। अगली बार गलती को दोहराने से बचने के लिए एक लिखी हुई योजना बनाएं। अपने पुराने व्यवहार से संबंधित संकेतों, ट्रिगर्स और चेतावनियों की पहचान करें, ताकि अगली बार आपको उन संकेतों या चेतावनियों के जरिए पहले ही अंदाजा हो जाए कि आप उस गलती को कर सकते हैं, और वहीं से सावधान हो जाए ताकि वह गलती ना हो। अपने आप को अनुशासन में रखने की आदत, यानी तय समय पर अपने कामों को पूरा करने की आदत को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। इससे आप उत्पादक और जरूरी कामों को करने की आदत को अपनाना शुरू कर देंगे, और ज्यादातर संभावना है कि अपनी गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं। यह न करें, ये जानने के बावजूद कि अपनी गलती में आप भी शामिल थे, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, क्योंकि आप अपनी गलती को जब तक मानेंगे ही नहीं तब तक सुधारेंगे कैसे। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करना जहां से आप गलती को सुधार ही नहीं सकते, वो दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं है। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू समरी।
कामयाब लोग दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं है बल्कि खुश होते हैं और जितना हो सकता है उतना दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि वह इस बात को जानते हैं कि हर एक के पास कामयाब होने के लिए एक समान मौके और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई काबिलियत है। इसलिए हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, इसलिए वह मानसिक रूप से अपनी जिंदगी में मजबूत बने रहते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी में इसे अपनाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले तो अपने लिए कामयाबी की परिभाषा बनाएं कि वास्तव में आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है। सकारात्मक विचारों के साथ अपनी कामयाबी और दूसरों की कामयाबी से संबंधित नकारात्मक विचारों को बदल दें। दूसरों की कामयाबी से उतना ही अच्छा, खुशी और गर्व महसूस करें जितना आप अपनी कामयाबी से महसूस करना चाहते हैं। अपनी काबिलियत और अच्छाइयों पर ध्यान दें, जिससे आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि जो कामयाबी दूसरे ने हासिल की है उसे हासिल कर सकते हैं। ऐसा सोचने और काम करने से जलन की भावना अपने आप खत्म होने लगेगी। लोगों के साथ में मुकाबला करने की बजाय मिलजुल कर काम करते हुए समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, यह न करें। हर इंसान के सपनों से आगे निकलने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान का अपना सपना होता है, इसलिए उन्हें उनका सपना पूरा करने दें और आप अपना सपना पूरा करने पर ध्यान दें। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, कल्पना करना कि दूसरों की जिंदगी कैसे आपसे ज्यादा बेहतर है। अपने आप को आसपास के लोगों से तुलना करना, क्योंकि जैसा कि महान बिजनेसमैन बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप अपने आप की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो मानो आप अपना अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी काबिलियत और कमियां होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।